उत्तराखंड में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ दोबारा सत्ता हासिल की है। इतना ही नहीं, इस बार उत्तराखंड की सियासत का एक मिथक भी टूट चुका है। कहा जाता है कि जो शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर काबिज होता है वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इस बार उत्तराखंड का चुनाव कई मायनों में खास रहा। एक तरफ जहां सत्ता में शानदार वापसी कर भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ा, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए और जिनके कयास हार के थे उन्होंने शानदार जीत से सारे मिथकों पर विराम लगा दिया। उत्तराखंड की सियासत में मिथक है कि यहां शिक्षा मंत्री दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन इस बार अरविंद पांडे ने गदरपुर सीट से जीत हासिल कर गदर ही मचा दिया। और ये मिथक जो टूटा है, ये तोड़ने वाला मैं कौन होता हूँ? यह तो यहाँ की महान जनता का भरोसा है मुझ पर, और मैं भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो जनता ने मुझसे विश्वास किया है उसको मैं ब्याज के साथ लौटाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। पुरानी परंपरा को तोड़ने वाले अरविंद पांडे ने जीत के बाद अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। उन्होंने न सिर्फ आगे का विजन बताया बल्कि मनमानी करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का दावा किया। 100% नैतिक दायित्व है कि शिक्षा विभाग में हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। कोई कहीं से कहीं तक किसी को लाभ किसी को हानि ये काम नहीं होने दूंगा, नहीं होने दिया जाएगा। और जब अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए विकल्प चुने तो अभिभावकों के दिमाग में पहला विकल्प सरकारी स्कूल होगा, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट होगा। मंत्री अरविंद पांडे ने सिर्फ मिथक ही नहीं तोड़ा बल्कि गदरपुर सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। इससे पहले भी वो बाजपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट।